नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज के खास खबरों के साथ। झारखंड विधानसभा में सत्तारूढ़ दल झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने 1932 के खतियान को लेकर अपना दर्द बयां किया था। अब उन्होंने सदन के बाहर भी इसे जाहिर किया है। मीडिया से बातचीत में जेएमएम विधायक ने भावुक होते हुए कहा कि खतियान झारखंडियों का लाइसेंस है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियान पर बयान देने से पहले हम जैसे विधायकों से कोई भी चर्चा नहीं की। भावुक लोबिन हेम्ब्रम ने यहां तक कह दिया कि इसकी शिकायत वे गुरुजी से करेंगे, क्योंकि गुरुजी उनके गार्जियन हैं, उन्होंने ही उन्हें राजनीति करना सिखाया है। लोबिन ने एक बार फिर से दोहराया है कि हेमंत सोरेन सदन के नेता हैं, ना कि उनके नेता तो सिर्फ शिबू सोरेन हैं। इससे पहले जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बनाने की बात जनता से धोखा है। लोबिन ने कहा मुख्यमंत्री ने उन्हें सदन में अनुदान मांगों पर नहीं बोलने दिया, उनके साथ साजिश हुई है। मुख्यमंत्री के बयान से झारखंड की धरती दागदार हुई। 5 अप्रैल से राज्य की यात्रा पर निकलूंगा, अप्रैल तक नहीं बनी बात तो बड़ा आंदोलन करते हुए झारखंड में उल गुलान करूंगा। उन्होंने कहा कि खतियान आधारित स्थानीय नीति के लिए कई विधायक ने मुख्यमंत्री से मीटिंग के लिए समय मांगा, पर आज तक समय नहीं मिला है। क्या बताएं कि आज हम विधायक होने के नाते क्या बोलने का भी अधिकार नहीं है विधानसभा में? मेरा हमको नहीं दिया। और आपके माध्यम से तीन रोड़े करना नोड़े पे नियल करना है तीन रोड़े मीडिया रे मिने ना ये तीन यही सांते कार्य का व्यवहार हो ही करना जे विधानसभा रे मेन बजट रे कोई भाषा लेता इन्हें बाद मौका बाकु मार दिया, जानबूझ पते बाकु मार दिया कि नई सरकार आ रोड़न है। ये जानबूझ के हमको नहीं दिया, क्योंकि ये भी सरकार पर प्रहार करेगा। प्रहार मैं नहीं करता, जो जनमित बात है मैं इसी बात को बजट में भाषण में बोलता। तो आज जो जितने विधायक हैं उनका दिल से अगर वो पूछे क्या गुरुजी का क्या सपना था, क्या सोचे थे वो, अलग राज किसके लिए किए थे, इतना लड़ाई इतना जेल, आज राज अलग हुआ किसके लिए अलग हुआ है? आज उस मिट्टी का बात हम नहीं करेंगे तो किसका बात करेंगे? आज माननीय मुख्यमंत्री ने इस मिट्टी को दागदार किया है, इस मिट्टी पर दाग लग गया है और यहाँ के युवा इस दाग को मिटाएंगे, ऐसे छोड़ने वाला नहीं। हम 5 तारीख से निकल रहे हैं और 5 तारीख से पूरे झारखंड का हम यात्रा करेंगे और गांव-गांव में, प्रखंड-प्रखंड में, जिला-जिला में इस आवाज को हम बुलंद करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ स्टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।